एक वक्त था जब देहरादून की पहचान उसके बासमती चावल से भी होती थी, लेकिन अब डर है कि कहीं देहरादून का बासमती गुजरे दिनों की बात ना बनकर रह जाए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस चावल पर संकट मंडरा रहा है। अपने खास स्वाद और खुशबू की वजह से देहरादून बासमती के दीवाने सिर्फ देश ही नहीं विदेशों तक हैं, लेकिन अब इसकी खुशबू कहीं खो सी रही है। वजह है इसकी खेती में गिरावट आना, वो भी कोई मामूली गिरावट नहीं बल्कि 62% की गिरावट। उत्तराखंड जैव विविधता बोर्ड की रिपोर्ट से पता चला है कि देहरादून बासमती की खेती में 5 साल में 62% की कमी देखी गई। 2018 में देहरादूनी बासमती की खेती का रकबा 410 हेक्टेयर था, जो 2022 आते आते 157 हेक्टेयर में सिमट गया। देहरादूनी बासमती का घटता हुआ रकबा खतरे की घंटी है। बढ़ता शहरीकरण इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जा रहा है। वहीं पेस्टिसाइड्स, बेमौसम बारिश और प्रदूषण भी बासमती उत्पादन में कमी के लिए जिम्मेदार हैं। साथ ही कुछ किसानों ने सरकारी अनदेखी का भी आरोप लगाया है, लेकिन अब देहरादूनी बासमती को बढ़ावा देने के लिए कोशिशें तेज हो गई हैं। काफी अर्बनाइजेशन हुआ है तो नेचुरली थोड़े एग्रीकल्चरल एरियाज तो कम होते ही हैं, वो सबसे बड़ा कारण तो वही है। और भी कई कारण हैं जो कि इस रिपोर्ट में हाईलाइटेड हैं। तो चूंकि अब रिपोर्ट आ गई है तो इसीलिए इस रिपोर्ट को लेके हम लोगों ने सभी हितधारक, चाहे वो कृषक लोग हैं जो इसको इसकी खेती कर रहे हैं, चाहे वो इरिगेशन डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लोग हैं, चाहे एनजीओज हैं जो उनके साथ वर्क कर रहे हैं, चाहे वो ऐसे मार्केटिंग वाले लोग जो कि बासमती की खरीद करते हैं, इन सबको हमने एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। और यही कारण था इस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करने का कि इस रिपोर्ट के जो रिजल्ट्स हैं वो साझा किए जाएं उनके साथ, और साथ ही उनको सब लोग मिलके पूरे दिन बैठ के उन्होंने एक एक्शन प्लान की रूपरेखा पे काम किया ताकि आगे कैसे हम इसको वापस इसकी प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं और जो समस्याएं आ रही हैं बासमती के साथ उनका निवारण कर सकें। देहरादून बासमती की महक को फिर से जिंदा करने की इस पहल से एक आस जगी है। उम्मीद है आने वाले समय में यहाँ का बासमती फिर महक उठेगा और देहरादून एक बार फिर धान चक्की के नाम से जाना जाएगा। ये थी अंकित शर्मा की रिपोर्ट। खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।